बॉलीवुड एक्ट्रेस कियारा आडवाणी आज अपना 30वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं। बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए कियारा आडवाणी दुबई पहुंच चुकी हैं और खबर है कि इस दौरान अभिनेता सिद्धार्थ मल्होत्रा भी उनके साथ हैं। कियारा आडवाणी आज इंडस्ट्री की टॉप एक्ट्रेसेस में से एक हैं। जिंदगी में ये मुकाम उन्होंने अपनी मेहनत से हासिल किया है। कियारा के बर्थडे पर आज हम आपको उनकी पर्सनल लाइफ से जुड़े खास बातों के बारे में बताने जा रहे हैं। कियारा आडवाणी के चाहने वाले न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी मौजूद हैं। बहुत ही कम लोग जानते हैं कि एक्ट्रेस का असली नाम कियारा नहीं बल्कि आलिया है। उन्होंने इंडस्ट्री के लिए अपना ये नाम आलिया से बदलकर कियारा रखा है क्योंकि आलिया भट्ट उनसे पहले से ही इंडस्ट्री में हैं और हिट भी हैं। यही कारण है कि उन्होंने अपनी पहली फिल्म के वक्त ही अपना नाम आलिया से कियारा रख लिया था। खास बात यह है कि कियारा को उनका नाम बदलने की सलाह एक्टर सलमान खान ने दी थी। बता दें कि कियारा ने अपना ये नाम प्रियंका चोपड़ा के फिल्म अनजाना अनजानी से इम्प्रेस होकर चुना है। कियारा आडवाणी ने फिल्म फुगली से बॉलीवुड की दुनिया में अपना पहला कदम रखा था। हालांकि कियारा की पहली फिल्म ही फ्लॉप साबित हुई, जिसके बाद एक्ट्रेस को आगे फिल्में मिलने में काफी परेशानियां भी हुई। कियारा को अपने करियर में असली पहचान फिल्म कबीर सिंह से मिली है। कबीर सिंह की सफलता के बाद कियारा के करियर को पंख लग गए। इसके बाद बैक टू बैक कियारा आडवाणी को गुड न्यूज, भूलभुलैया 2, शेरशाह, जुग जुग जियो जैसी सुपरहिट फिल्मों का ऑफर भी मिला और अब वो बी टाउन की टॉप अभिनेत्रियों में अपनी जगह बना चुकी हैं।